हमारी दुनिया में हर इंसान अच्छी जिंदगी जीने की कोशिश में लगा रहता है। इंसान के पास जो कुछ है उसका शुक्र करने से ज्यादा उसे और चीजों की तलाश रहती है। लेकिन दूसरी ओर दुनिया में कुछ ऐसे भी लोग हैं जो किसी मजबूरी के चलते अपनी जिंदगी हम बाकी इंसानों के मुकाबले काफी अलग तरीके से जीते हैं। जैसा कि ये महिला जो दिन भर पानी में रहती थी और शाम होते ही पानी में से बाहर निकल जाया करती थी, और ऐसा करते करते इन्होंने अपनी जिंदगी के 20 साल पानी में गुजार दिए, जिसके पीछे की वजह जानकर आप दंग रह जाएंगे। वुल्फ्लो की वीडियो में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में आपको दुनिया के 5 ऐसे ही लोगों के बारे में बताऊंगा जो अपनी जिंदगी बाकी इंसानों के मुकाबले कुछ अलग ही तरीके से जीते हैं, जिसमें सबसे पहले नंबर पर है द इंडियन मरमेड। एक अजीब सी कहानी जिसके बारे में आपने शायद ही पहले कभी सुना होगा। सन 1998 में इंडिया के वेस्ट बंगाल में रहने वाले पतरुनी घोष बाकी इंसानों की तरह ही अपनी जिंदगी जी रही होती है, लेकिन तभी ये एक अजीब तरीके की स्किन की बीमारी से जूझने लगती है। इस बीमारी के चलते शरीर में बहुत जलन होने लगती है और दिन में सूरज की तेज रोशनी के चलते ये दर्द और भी बढ़ जाता है। पतरुनी को इस दर्द से थोड़ी राहत तब मिलती जब ये पानी में रहती थी। सन 1998 में इस बीमारी का इलाज न मिलने के कारण और पानी में दर्द से थोड़ी राहत मिलने के चलते ये दिन भर पास ही के एक तालाब में जाने लगती है और पूरे दिन के 11 से 14 घंटे पानी में गुजारने लगती है। और आज ऐसा करते करते इनकी उम्र 65 से भी ज्यादा तक पहुँच गयी है। नेक्स्ट है द रियल लाइफ तार्जन। गाइस, आपने अक्सर फिल्मों में ही तार्जन को देखा होगा, लेकिन अगर असल जिंदगी में तार्जन की बात की जाए तो इस शख्स का नाम टॉप पर आता है। इस आदमी ने अपनी जिंदगी के 41 साल जंगल में गुजार दिए, और हैरानी की बात यह है कि 40 सालों तक इसे पता ही नहीं था कि दुनिया में महिला एग्जिस्ट करती है। इस शख्स का नाम होवेल लैंग है। जब ये सिर्फ 2 साल का था तब वियतनाम वॉर के चलते इसके पिता इसे जंगल में लेकर आ गए थे। युद्ध खत्म हो जाने के बाद भी ये जंगल में रुके रहे, शायद इन्हें पता नहीं था कि युद्ध खत्म हो गया है। जंगल में रहकर ये सांप, बंदर और चूहे का शिकार करके अपनी भूख मिटाते थे। ये दोनों वहीं के तौर तरीके में खुद को ढाल चुके थे, जो जंगली चीजें खाते थे। जैसे जैसे लोगों को उनके बारे में पता चला तो उन्हें जंगल से इंसानों के बीच ले जाया गया। हालांकि जंगल की दुनिया को छोड़कर इंसानी समाज में रहना लैंग के लिए काफी मुश्किल हो रहा था। धीरे धीरे सेहत बिगड़ती चली गई। शराब पीने, इंसानों का खाना पीना उन्हें लाभ पहुंचाने के बजाय नुकसान पहुंचा रहा था। आखिर में ऐसी अजीब जिंदगी जीने के बाद 53 साल की उम्र में इस शख्स ने दुनिया को अलविदा कहा। नेक्स्ट है द मैन इन द आयरन लंग। यह है पॉल अलेक्जेंडर, जो कि एक अमेरिकी लेखक है। यह पिछले 7 सालों से एक मशीन के अंदर बंद है। दरअसल 1952 से ही ये अपने आप सांस नहीं ले सकते। सांस लेने के लिए आयरन लंग नाम की मशीन का सपोर्ट लेना पड़ता है। पॉल अलेक्जेंडर को 6 साल की उम्र से ही पोलियो हो गया था। पोलियो होने की वजह से इनकी जिंदगी मुश्किल थी। पोलियो की समस्या बढ़ने के साथ ही इनके फेफड़ों में दिक्कत होने लगी और सांस लेना भी धीरे धीरे मुश्किल होने लगा। डॉक्टर के पास उन्हें आयरन लंग में रखने के अलावा कोई दूसरा चारा नहीं बचा। पहले तो डॉक्टर को उम्मीद थी कि उम्र बढ़ने के साथ इनके फेफड़े काम करने लगेंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। आज पॉल की उम्र 75 साल हो चुकी है और वे पिछले 7 साल से इसी तरह जी रहे हैं। नेक्स्ट है द बास्केटबॉल गर्ल। चाइना में रहने वाले किन होंगयान जब सिर्फ 4 साल की थी तब कार एक्सीडेंट में उसने अपने दोनों पैर खो दिए थे। गरीब होने की वजह से होंगयान की फैमिली के पास नकली पैर लगवाने के लिए पैसे नहीं थे, लेकिन तभी होंगयान के दादा को एक आइडिया आया। उन्होंने एक बास्केटबॉल को बीच से काट कर दोनों पैर में फिट कर दिया, जिससे ये अपने आप को बैलेंस कर सकती थी। उसके बाद होंगयान को आशा की किरण दिखी। गांव वालों ने भी जैसे तैसे करके पैसे जुटा कर नकली पैर लगवाने में मदद की। आज होंगयान स्विमिंग कॉम्पिटिशन में एक चैंपियन है। नेक्स्ट है ये लड़की जो अपने आंखों से क्रिस्टल निकालती है और ये देखने में बिल्कुल ही किसी हीरे की तरह होता है। दरअसल हसना मसलूम ने जब 12 साल की थी तभी से आंखों से कांच के समान ही पदार्थ निकलने लगता है। डॉक्टर को पता नहीं चलता कि ऐसा क्यों हो रहा है। फिर जांच करने से पता चला कि ये आंखों में एक केमिकल की मात्रा से हो रहा है। वैसे आपको इन सभी में से किसकी स्टोरी सबसे यूनिक लगी कमेंट में जरूर बताना।